अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम 30 MCQs रिवाइज करेंगे FPSC टेस्ट प्रिपरेशन के। मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले आपको साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी बताता जाऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रह जाए, क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से तो आपको कुछ दिनों में भूल जाएंगे और MCQs बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की किस सिटी में सीक्रेट फैक्ट्री नहीं है। अब ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कुछ याद करना हो। मोस्टली जो बड़ी सिटीज़ हैं लाहौर, कराची, वहाँ पे सीक्रेट फैक्ट्रीज हैं, और जेलम के अंदर भी पाकिस्तान टोबैको का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन तो ये हो गया और चौथी ऑप्शन ओकाड़ा है। तो ओकाड़ा में सीक्रेट फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमने ओकाड़ा सेलेक्ट किया और ये करेक्ट आंसर है। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड द बोगरा फार्मूला। एक्चुअली मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया था असेंबली में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उस वक्त तक पाकिस्तान का नहीं बना था, 1953 तक। तो इन्होंने एक्चुअली टू लेजिस्लेशन का फार्मूला पेश किया था कि देयर शुड बी टू हाउसेस, वन अपर हाउस एंड वन लोअर हाउस, एंड इन्होंने कहा था कि अपर हाउस के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये फार्मूला अक्टूबर 1953 में पेश किया गया था। जैसे आप देख रहे हैं मंथ्स में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन अक्टूबर 1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने फार्मूला पेश किया था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ भी है कि मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म थे। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे। वॉट डॉक्यूमेंट वॉज फर्स्ट ड्राफ्टेड। पहला कौन सा डॉक्यूमेंट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रेजेंट किया गया। तो पाकिस्तान बनने के 18 महीने पर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट पेश किया गया था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसके बारे में मशहूर है कि इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किया गया था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में माइनॉरिटीज़ को काफ़ी सपोर्ट हासिल थी और कायदे आज़म उस टाइम बहुत हो चुके थे, और लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान शुड बी अ लिबरल स्टेट, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक होना चाहिए था। शाह अब्दुल लतीफ पिटाई वॉज फेमस सेंट पॉइंट, ही बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ सिंध। अच्छा, 1000 रुपये के नोट के पीछे जो तस्वीर है वो किसकी है? तो सारे लोगों ने पैसे तो यूज़ किए ही हैं, तो उन्हें आइडिया होगा, इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर है। 22nd अमेंडमेंट जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में यह वो किस वजह से हुई है? तो एक्चुअली 22वीं तरमीम जिसे कहते हैं वो इस वजह से हुई थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसकी पावर्स को थोड़ा सा रेगुलराइज किया जाए, और उसके मुताबिक उसके 4 मेंबर होने चाहिए। और पहले यह था कि सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है ना वो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना वही इलेक्शन कमीशन का ना वो मेंबर हो सकता था, आई थिंक चेयरमैन हो सकता था, हाँ जी। तो बाद में इन्होंने ये इसको चेंज करके कहा कि कोई भी सिविल सर्वेंट भी हो सकता। तो पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है ना उसके लिए 22वीं तरमीम पेश की गई थी। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का चागी है, जो कि बलूचिस्तान में, और चागी के बारे में मशहूर भी यहाँ पर आपने पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके भी किए थे। कराकुरम आर एक्सटेंडेड फ्रॉम तिब्बत इन द, ये गलत प्रिंट हुआ है, ईस्ट वेस्ट नहीं है, ईस्ट टू हिंदू कुश माउंटेन्स इन द वेस्ट। डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक्चुअली ये पाकिस्तान के बारे में ही बात हो रही है, तो आपको पता है पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डैश वॉज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे। और एक और मज़े की बात यह कि 1951 से 1958 तक पाकिस्तान के 6 प्राइम मिनिस्टर बदले थे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देयर शुड बी डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल। सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल लेजिस्लेचर शुड कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। ये आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान में हमेशा 2 हाउस सिस्टम चलता रहा, जिसमें एक अपर हाउस है जिसको सेनेट कहा जाता है और एक लोअर हाउस है जो कि नेशनल असेंबली है।
judiciary should always be independent. Around which city towering mountain peaks are? अब जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक है उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा कि गिलगित एक ऐसा शहर है जिसकी मैंने पिक्चर और वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे कि अगर आप उस शहर में दाखिल हो तो आपको पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ हैं. देबल एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेजन ऑफ देबल वॉज प्रोटेक्टेड बाय. अब ये क्वेश्चन ये है कि जब मुसलमानों ने पहली बार देबल जो कि सिंध का एक शहर था अब तो नाम चेंज हो गया वहाँ पे हमला किया था तो उस उधर कौन लोग थे. तो उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत थे क्योंकि वहाँ का एक मंदिर भी बहुत मशहूर है जिसको जब तबाह किया गया था मुसलमानों की तरफ से तो फिर हिंदुओं ने हथियार डाल दिए थे. बोथ द हाउसेज विल हैव डैश पावर्स. अब ये हाउसेज अपर हाउस और लोअर हाउस की बात हो रही है जिसको सेनेट और नेशनल असेंबली कहते हैं. ब्रॉड पीक. अब ये ब्रॉड पीक एक्चुअली एक माउंटेन पीक है. इट्स इन गिलगित और इट वॉज फर्स्ट कॉन्कर्ड इन 9 June 1957 जो कि मैंने गूगल से पढ़ के आपको बताया. और जो पहली बार जिसको पैमा ने इसको सर किया था उसका नाम भी थोड़ा स्ट्रेंज और ऑकवर्ड सा है. विंटर टेकर इस तरह का नाम था. सो ये आप लोग याद रख सकते हैं. कैशर ब्रह्म वॉज फर्स्ट कॉन्कर्ड इन 1958 बाय विच एक्सपेडिशन. एक्चुअली गैशर ब्रह्म भी गिलगित में ही है और गैशर ब्रह्म 1, 2, 3 और 4 ये सारे डिफरेंट माउंटेन पीक्स हैं ग्लेशियर्स हैं. तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी अमेरिकन एक्सपेडिशन वॉज द फर्स्ट टू कंकर इट. जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो 16th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं. जनरल अयूब खान वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. इन डैश केस मार्शल लॉ वॉज जस्टिफाइड. अच्छा स्टेट वर्सेज डोसो. अब इसका मीनिंग मुझे मालूम नहीं और आई हैव ट्राइड टू फाइंड इट आउट एज वेल बट आई कैन नॉट फाइंड इट्स एग्जैक्ट मीनिंग बट इफ आई फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आई विल अपलोड इट. इट इज़ इन द कराकुरम रेंज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डैश पीक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड. कराकुरम रेंज के अंदर आपको पता है कि दुनिया की हाइएस्ट पीक्स जो है ना इस रेंज के अंदर मौजूद हैं. K2 इज सिचुएटेड इन हिमालया हिंदू कुश कराकुरम. अब हिमालया हिंदू कुश और कराकुरम तीनों जो है ना वो बहुत कन्फ्यूजिंग है. तो एक्चुअली इसमें ये आपको याद करना पड़ेगा कि K2 किस में है. K2 कराकुरम में और माउंट एवरेस्ट हिमालया रेंज में. K2 पे पहली बार कब गए थे और कब कॉन्कर की गई थी तो 31 July 1954 में K2 जो है ना सर की गई थी. और K2 पहली बार जो सर की गई थी उस कोपेमा का नाम भी है उस कोपेमा का नाम मार्टिन कॉसवे है. और इसके अलावा जो आपके जिसको मैं माने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट सर की थी उसका नाम गॉडविन ऑस्टिन था. इस वजह से माउंट एवरेस्ट को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है. कई जगहों पर अगर आप गूगल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. खैबर पख्तूनख्वा इज ऑक्यूपाइज द डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खैबर पख्तूनख्वा है. Largest dam in Pakistan is of course Tarbela. It is the largest land-filled dam of the world as well. Tarbela dam. और ये अयूब खान के दौर में शुरू किया गया था. Mahmud's first important battle was fought against that in near Peshawar. Mahmud Ghaznavi जो कि जिसका अफगानिस्तान जो जिसको कहते हैं आजकल वहाँ से ताल्लुक था गजनी से ताल्लुक था
उसने जब सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया था तो पेशावर के करीब जो है उसका सबसे पहले जयपाल से मुकाबला हुआ था। जयपाल एक सिख लीडर था, याद है कि पहले सिखों की बहुत ज़्यादा आबादी जो कि नाउ डेज पाकिस्तान है यहाँ पे रहती थी, और इट वॉज़ अ टाइम व्हेन मुस्लिम सिख्स एंड हिंदूज ऑल यूज टू लिव टुगेदर इन अ परफेक्ट हारमोनी। मोहम्मद बिन कासिम जिसको मुसलमान लीडरों के तौर पे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, किताबों में भी आपने पढ़ा, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उनको हमारे अपने मुसलमान भाइयों ने बाद में कत्ल किया था एक बहुत ही कम उम्र में, और कहा जाता है 22 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को शहीद कर दिया गया था, और वो अपने मुसलमान खलीफा की कैद में शहीद किया गया था। उनको किस खलीफा ने यहाँ से क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट पे हमला करने आए थे, और पीछे से फिर जब खलीफा चेंज हुए तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें यहाँ से खाल के अंदर सी के लेकर गया गया, तो मतलब इस तरह कैद करके यहाँ से वापस बगदाद आई थिंक लेकर गया गया था, और वहाँ पे उनको कैद में रख के अजियतें दे दे के खलीफा सुल्मान के दौर में शहीद कर दिया गया था।